देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है, सिंपलीफाई करना है हमें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए 2 × 10³ है, इसको पहले लिखेंगे 2 × 10, 10 को 3 टाइम लिख लिया हमने क्योंकि इसकी पावर थी 3, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 की 3 टाइम तो ये आ जाएगा 1000, यानी 1 के आगे ये वाले 3 0, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर 2 लिख करके उसके आगे ये वाले 3 0 बना देंगे, तो ये इसकी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देख लेते हैं, 7 को अब 2 टाइम क्योंकि इसकी पावर 2 थी और 2 की पावर भी 2 है, तो इसे हमने भी 2 टाइम लिख लिया, तो इसको लिखेंगे 2 to the 4 और 7 7 the 49। अब 49 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, 2 9 the 18 कैरी 1 और 2 4 the 8 over 9, तो ये आ जाएगा 98 आंसर इसका। अब देखिए इसको देखें हम, 2 की पावर 3 है तो हमने 2 को 3 टाइम लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40 इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं हम, 3 × 4 को हमने 4 टाइम लिख लिया, 4 को 4 टाइम लिख लिया तो 4 4 the 16, 16 4 the 64, 64 4 the 4 4 the 16 कैरी 1 और 4 6 the 24 और 125, और फिर 3 से और कर लेंगे इसको, 3 6 the 18 कैरी 1 और 3 5 the 15 और 1 16 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1 और 3 2 the 6 और 1 7, तो 768 इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं क्या है, 0 मल्टीप्लाई, जब किसी के अंदर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करनी होगी हमें, 5 को और फिर 3 को करना होगा 3 टाइम, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये तो आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 27। अब 7 5 the 35 कैरी 3 और 7 2 the 14 और 3 17 कैरी 1 और 7 1 the 7 और 1 8, अब 2 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 255, 7 8 5 13, तो ये आ गया इसका आंसर 3 3 7 5, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आया देखिए यहाँ पर, 2 की पावर कितनी 4 है, यानी 2 को हमें 4 टाइम लिखना होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 को हमें 2 टाइम लिखना होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 16 को करेंगे 3 3 the 9, 16 9 the 144, दिस इज द आंसर। तो 3 को 2 टाइम लिख लो और 10 को 4 टाइम लिख लो। अब देखिए 3 3 the 9 तो ऐसे ही आ गया ये। अब इसमें क्या करेंगे हम, 9 लिखने के बाद में 1 2 3 4 0 लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सिंपलीफाई, बहुत सिंपल सवाल है ये, इसको देखेंगे तो इसका पता चला हमें कि इसकी पावर है 3, जब पावर इसकी 3 है, 3 एक ऐसा नंबर है, ऑड नंबर है ये, तो जब ऑड नंबर होता माइनस होता तो माइनस आ जाता। अब 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू माइनस के, 4 4 the 16 और 16 4 the 64, तो माइनस का 64 इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहले हम इसको देख लेते हैं, दिस इज माइनस, माइनस जो है यहाँ पर कितने टाइम है, ये 3 है, 3 टाइम मतलब ऑड नंबर, तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो ये हो गया। अब देखिए 2 2 को हम कितने टाइम लिखेंगे, देखिए ये तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2 को हमने 3 टाइम लिख लिया, तो अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, 3 3 को लिखेंगे पहले हम, कितने टाइम है ये, 3 को 2 टाइम लिखेंगे तो मतलब माइनस खत्म हो जाएगा इसका, तो 3 × 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5 को भी हम 2 टाइम लिख लेंगे, इसका भी माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इवन पार्ट जब माइनस होता है तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 3 the 9 तो ये हो गया और 5 5 the 25 ये हो गया, 25 की और 9 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 9 5 the 45 कैरी 4, 9 2 the 18, 18 और 4 22, दिस इज 2 2 5। नेक्स्ट देखिए, −2 की पावर, जब पावर 3 है तो माइनस रहेगा तो 8 आ जाएगा, जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 the 4 4 2 the 8, इसी तरह से हम इसको करेंगे तो ये भी माइनस का ही आएगा, माइनस में आएगा ये 1000। अब देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8000, 8000 इसका आंसर हो जाएगा।